हाय कृष्णा, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो। आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। सो हम कर रहे हैं मॉर्निंग एनर्जी सेशन, तो कनेक्ट करते हैं एनर्जी से डायरेक्टली। ठीक है, तो काफ़ी सारी एनर्जीज हैं जो आपसे कनेक्ट हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती। जो नहीं होती उनको आप जाने दीजिए। ठीक है, बाकी रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, यानी कि ऑल साइंस, एरीज टू पाइसीस, मेष से लेके मीन तक, एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो इसके पहले कि हम शुरुआत करें, करते हैं छोटा सा रेकी सेशन। ओके, तो अब करते हैं डायरेक्टली रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, हमने लिया है ये टैरो और देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। थ्री ऑफ कप्स, कर्क वृश्चिक मीन राशि, पहला ही कार्ड। दूसरा कार्ड जो कि है किंग ऑफ वॉन्स। ठीक है, मेष सिंह धनु राशि। फिर है फाइव ऑफ कप्स, कर्क वृश्चिक मीन राशि अगेन। तो इमोशंस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। यह है द वर्ल्ड, ओके, पहला मेजर अरकान ऑफ कार्ड। और दो कार्ड्स मिले हैं जो कि हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ये है द फूल। ठीक है, तो हमने छह कार्ड चुने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, जो पहला कार्ड मिला है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी खुशनुमा माहौल में है और मे बी सैटरडे संडे को लेके काफ़ी उत्साहित है। मतलब जो भी आप दोनों ने एक साथ चीज़ें की होंगी, आप मिले होंगे या फिर बातें की होंगी, वॉट एवर हैपेंड इन द सैटरडे एंड संडे, ये उसको लेके खुश है। ठीक है, हो सकता है आने वाले सैटरडे संडे को लेके पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि वो अपने दोस्तों को भी काउंट कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनको भी यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। सुबह की पीरियड इनकी काफ़ी बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कि मानो ये खुश है एंड इनकी खुशी को कोई रोक नहीं सकता, या फिर इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई भी इनके ऊपर कोई चीज़ लाद नहीं रहा है, ये अपने माइंड से फ्री है। ठीक है, हो सकता है उन्होंने आज की छुट्टी निकाली हो, या फिर आज उनका कोई ऐसा काम हो जिसके कारण आज थोड़ा सा लेट उठे, या फिर इनके मन के अनुसार चीज़ें होने लगे, इसके कारण ही पर्सन हमें आज खुश दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि भाई पूरा फ्रीडम, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है इनके लिए। साथ में है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है किंग का कार्ड। मतलब कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मन के मुताबिक ज़िंदगी जी रहा है। आज का दिन इनके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई आज का दिन कम्प्लीटली मैं कंट्रोल करूँगा। मतलब चाहे वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करें इस रिश्ते के कनेक्शन में, या फिर अगर हम बात करें तो आज का दिन उनके लिए काफ़ी बेहतर जा सकता है। मतलब किसी से कोई नोक टोक नहीं, यू नो, रोक टोक के कोई कर नहीं रहा है इनको, किसी से नोक झोंक नहीं हो रही है एंड सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो एक किंग वाली जो फीलिंग आती है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, यू नो, वो चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच कुछ अनबन थी तो आज वो अनबन नहीं दिखेगी, या फिर बहुत कम चांसेस है कि शाम के वक्त शायद कुछ अनबन हो सके, लेकिन उसके पहले चांसेस बहुत कम बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ गया है जो कि है फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये एक्चुअली रिवर्स में कार्ड आ गया था, बट हम स्ट्रेट ही रीडिंग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है ना कि ऐसे जो लोग हैं जो कि इनके अगेंस्ट है, या फिर आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट है, उन लोगों से इसे दूर जाना है। हाँ, अगर कोई इंसान उन लोगों से दूर नहीं गया, उनके साथ ही खड़ा है, तो डेफिनेटली आपको लूज करेगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ और वो फिर भी मुझसे कम्युनिकेट नहीं करते, बल्कि ऐसे लोगों से बात करते हैं जो कि हमारे रिश्ते के ख़िलाफ़ है, तो ये चुनाव उन्होंने खुद किया है, और क्योंकि चुनाव उन्होंने किया है तो इसका परिणाम भी उनको खुद ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये पर्सन सही है आपके हिसाब से तो आप इनको सपोर्ट कीजिए, अगर ये पर्सन सही नहीं है और गलतियों के ऊपर गलती कर रहा है तो भी जितना आपसे बन पड़े अगर आप कोशिश कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड है कि आप नेक्स्ट क्या सोचते हो। ठीक है, आज शायद हो सकता है कि वो अपने किसी रिलेटिव से मिले या किसी फ्रेंड से मिले, और आप दोनों के बीच शायद जो दूरियाँ हैं वो बढ़ सकती हैं। ठीक है, हालांकि अगर वो ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्टेड नहीं है तो काफ़ी बढ़िया बात है।
नेक्स्ट इज द वर्ल्ड, तो यस दुनिया को वो कैसे देखते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं जो कि इनके कान भर सकते हैं, तो अगर किसी इनके कान भरे तो दुनिया को वो जिस एंगल से देखते हैं, ठीक है, पहले शायद देखते थे कि ये और आप बस और ये दुनिया, लेकिन अगर ये कोई फ्रेंड आ रहा है जिनके कान भर रहा है तो दुनिया की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। एंड इसके कारण आपके रिश्ते में आपको प्लस एंड माइनस दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगर ये पर्सन कह रहा है कि मुझे फिक्र नहीं है, आई एम प्रिटी हैप्पी इन माई रिलेशनशिप, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दैट मीन्स ये पर्सन अपने आप को नहीं बदल रहा है बल्कि आपको आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करा, जो कि एक्चुअली में अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ गया जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब देखो ऐसा है जहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो आपसे सॉल्यूशन की डिमांड कर सकता है, ठीक है, या फिर अगर मान लो आपको जल्दबाजी करनी है शादी के लिए, या फिर आपको लग रहा है कि भाई समय हाथ से निकला जा रहा है या फिर जल्द से जल्द हमें डिसीजन लेना होगा, मे बी आप रुक सकते हो लेकिन आपको रुकना नहीं है, शायद आपको लगता है कि क्यों हम इतनी दूरियां बढ़ा के रहे। तो ऐसे में अगर आप इनको फोर्स कर या प्रेशराइज कर रहे हो कि यू नो फैमिली से मिलते हैं या फिर एक अच्छा नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, तो हाँ ये आपको किसी चीज़ के बारे में आगाह कर सकते हैं या फिर आपको कह सकते हैं कि ठीक है चलो आई एम रेडी, यू नो, बिकॉज ये कार्ड है वृषभ कन्या मकर राशि का जहाँ पे ग्राउंडिंग एनर्जी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो जैसा कि आपको लगता है इनके बारे में एंड कि बाकी के लोगों को आपको बताना है या फिर उनसे कनेक्ट करना है, बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ ही जी रहे हैं। एट द एंड अगर हमें कोई कार्ड मिला है तो वो है द फूल, मतलब देखो ये पर्सन अगर हम कहें इतने सारे चीज़ों के बावजूद अगर इस पर्सन की लाइफस्टाइल आज कैसी है तो ये अपने मन के मालिक है, आज इनको कोई रोक टोक नहीं सकता। हाँ अगर आपको इनसे कुछ बातें करनी है या फिर इनको कुछ बताना है, इनका दिल बहलाना है, आप कर सकते हो। ये बेसिकली आपको भी किसी बात के कारण मतलब बात के लिए रोक नहीं रहे, कह रहे कि भैया एंजॉय करो अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको आपका जो भी रूटीन है, चाहे आपको एक्सरसाइज करनी है या फिर आप क्लासेस जाते हो या फिर आप जल्द से जल्द ऑफिस को निकलते हो, व्हाटएवर जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सही आप कीजिए, इसके लिए जो सही है ये वो करना चाहता है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, यस ये ओरेकल पहला ही कार्ड आ गया जो कि है पैसा, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें पेंटाकल्स कार्ड पे दिखा था, तो पैसे भी आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो भी पैसों से कनेक्टेड चीज़ें थी उनमें वृद्धि देखने को मिल सकती है, मतलब पॉजिटिव ही एंगल आज इनको आपको देखने को मिल सकता है। सेकेंड है मिलना, तो हाँ आपसे जो इनकी गुजारिश रहेगी आपसे मिलते हैं, मतलब शायद कल परसों भी मिले हैं फिर भी आज मिलते हैं, जो अगर कुछ बातें रही हैं जिसके ऊपर आपका डिस्कशन नहीं हुआ उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। थर्ड जो हमने कहा रीडिंग के शुरुआत में, ये पर्सन को काफ़ी खुशी हो रही है, फिर ये पर्सन काफ़ी खुश है, दैट इज़ अ गुड साइन। फोर जो कार्ड है वो अंदाज़ा लगाना, मतलब अंदाज़ा लगा रहा है कि नेक्स्ट अगर आपसे मिलना है आज अगर मुमकिन हो जाए तो कैसे मिले, टॉपिक क्या रहेगा, किस तरह से आपसे बातों की शुरुआत करेगा। और अगर थर्ड ओरेकल देखते हैं तो ये है रिफ्लेक्ट, ये एक्चुअली ना अपने आप को आप में देख रहे हैं, फिर आप जैसी सोच रखते हैं ना वैसे ही सोच खुद रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो आप सोचते हो जो आप चाहते हो बिल्कुल वैसे ही कुछ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड जो है वो है चेंज, तो इसको लेके थोड़े से बदलाव आपको इनके ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे कि पर्सन थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन बदल गया इसलिए है बिकॉज उसको खुशी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन को पहले ही बदलना था लेकिन अपने ईगो के चलते या फिर किसी और चीज़ के चलते ये बदल नहीं रहा था एंड इसीलिए इसको ही फटका खाना पड़ा इसका। थर्ड जो है वो है रीबर्थ, नाउ इट इज़ कनेक्टेड विथ डेट एज वेल, रीबर्थ का मतलब यहाँ पे है कि ये पर्सन जो है अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है, जो उसे लगा नहीं था कि मुमकिन है बट अब मुमकिन हो रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन। एंड फाइनल जो कार्ड है वो है लाइट, आई थिंक आपके आ जाने से इनके ज़िंदगी में एक लाइट या रोशनी पड़ गई है जो इनके लिए काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, तो डेफिनेटली आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे एंड कोशिश करते रहेंगे कि भाई जितना जल्दी हो सके आपसे सुबह सुबह कम्युनिकेशन हो जाए या फिर एटलीस्ट आपको मैसेज भेज दे। सो इट आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।